एक ऐसी रात होवे महफिल नात होवे। किबला शाह जी वेख के मैं कलाम पढ़ता हूं, बड़ी मुफ्ता नवाज दे, पूरी महफिल में पढ़ देनी है इस नात के अंदर ही कि जो जो होना है, लेकिन महफिल आम नहीं है। वह उसके सुन मोहब्बत फरमाया जी कि एक ऐसी रात होवे महफिल नात होवे सुनन लई नाता खुद मदनी दी ज़ात होवे। एक ऐसी रात होवे महफिल नात होवे सुनन लई नाता खुद मदनी दी ज़ात होवे। रात होवे महफिल नात होवे सुनने लई नाता खुद मदनी दी ज़ात। जड़ी महफिल च हजूर बैठे हो उत्थे फिर तिलावत भी कोई आम नहीं होनी, ऐ समझ लेना पहले, फिर मैं आगे चलदा। गुलाम बस भाई ना नकीब आम होने, ना खतीब, ना ही हस्तियां आम होनी, तो ना ही लंगर आम होना है। ये सुनना सारा तरतीब दे नाल, हुण हजूर बैठे हुण ते तिलावत कौन करेगा? सुनिया जी, तिलावत दाऊद करे, तिलावत दाऊद करे, जिक्र माबूद करे, रब असा सारे आनू हुक्मे दरोद करे। सिरात होवे महफिल नात होवे सुनन लई नाता खुद मदनी दी ज़ात होवे। एक सिरात होवे महफिल नात होवे सुनन लई नाता खुद नबी दे सहाबा सारे बैठे करीब होवे। एक ऐसी रात होवे महफिल नात होवे सुनन लई नाता खुद मदनी दी ज़ात। हजूर बैठे होण ते फिर कलाम कोई आम नहीं होना, हुण तुसीं चुप रहे ते फिर अफसोस रहेगा। गौसिया सुन, अच्छा जी गल सुन वाली है कि आला आला कलाम होवे, आला कलाम होवे पारा इमाम, कलाम होवे पारा इमाम होवे, नूरी ते फकी सारे पढ़ दे सलाम होवे। एक ऐसी रात होवे महफिल नात होवे सुनन लई नाता खुद मदनी दी ज़ात। सलाम हो गया, हुण लंगर दी वारी है। लंगर वेखना कि लंगर च दीद होवे, मैं ना दीद होवे हजूर दी दीद पई हुंदी लंगर च। यार इत्थे हाथ बणदे ने खड़े करके, जरा सुभान अल्लाह कह दियो,
कि लंगर जदीद होवे भुख भी शदीद होवे लंगर जदीद होवे भुख भी शदीद होवे अली कोलों लेके वड़दा बाबा फरीद होवे के सिदात होवे महफिल नात होवे सुन लेना ता खुद मदनी दीदार।